और कई तो अल्लाह माफी दे, ऐसे बदतमीज लोग होते हैं, उनका ज़मीर इतना मुर्दा और ईमान की एक रत्ती भी उनके अंदर नहीं होती, अपने मौलवी के इल्म को, नॉलेज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के ऊपर भी तरजीह दे जाते हैं। ये वाकया हुआ इस तरह से। अमेरिका में एक जगह पे प्रोग्राम था, ये लॉस एंजल्स में कोरोना साइड एक जगह थी, वहां पे प्रोग्राम था। वहां पे एक यूनिवर्सिटी का लड़का मुझसे पूछने लगा कि मेरे कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। मैंने उन बातों ही बातों में उसने एक बात ये भी कह दी कि मेरे जो मस्जिद का इमाम है उसके पास तो पी एच डिग्री थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई डिग्री नहीं थी किसी यूनिवर्सिटी की। ऐसे बयानात करने वाले मौलवी और दीन के ठेकेदार जो लोगों को ये पटिए पढ़ाने वाले हैं कि मौलवी का इल्म माज़ल्ला अल्लाह के नबी से उन्हें बढ़ा दिया, तो हम तो ये कहेंगे, हम तो ये डंगे की चोट पे और लानिया कहेंगे, यही तो कुफर है और क्या, यही तो कुफर है। एक आम बंदे को 1400 साल बाद वो पैदा हुआ, 1400 साल बाद पैदा हुआ और उसके इल्म को इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर तरजीह दे दी जाए, यही तो कुफर है और क्या कुफर है, यही कुफर है। अल्लाह के नबी की शान और मुकाम का इनकार करना कुफर है और ऐसी तालीम देने वाले वो कुफर का इरतकाब करते हैं। चाहिए तो ये था कि वो मौलवी उस मुक्ति के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम की ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाता जो उसे देखता सर का पांव देखता और इस बात को कहने के बगैर ना रहता कि ये तो सच्चा आशिक है, ये तो अल्लाह के नबी का सच्चा आशिक है। वो उसको ऐसी तरबियत करता, ऐसी बात बताता जो उसको देखता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुलिया उसे याद है। कौन सा इल्म, कौन सी पीएचडी डिग्री, कौन सा डॉक्टर, ये फलाना डॉक्टर, ये नलायक डॉक्टर, ये फलाना डॉक्टर, ये फलाना, कौन सा डॉक्टर, तमाम लोगों का इलम अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो सारे का सारा इलम अंबिया अलैहिस्सलाम के इलम के सामने इस तरह है जिस तरह चिड़िया सातों समुद्रों में से पानी का एक कतरा अपनी चोंच ले लो। और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का इलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ाते ग्रामी के सामने इस तरह है कि जिस तरह सातों समुद्रों में से चिड़िया एक कतरा अपनी चोंच में ले। क्या उस डॉक्टर ने क्या पढ़ा, माशाल्लाह कारी साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है और जो मदारस में पढ़ने वाले हैं दरस निजामी करने वाले हो वो बखूबी जानते हैं। उससे पहले जिन्होंने हिफ्ज किया, हिफ्ज से पहले उन्होंने तजवीद पढ़ ली या बाद में तजवीद पढ़ ली, पहले हिफ्ज कर लिया फिर बाद में उन्होंने तजवीद पढ़ ली। तजवीद क्या चीज है, वरतिल कुरान तरतीला, अत तजवीदुल हरूफ व मारिफतुल वुकूफ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, तजवीद मखरज की अदायगी, कौन से हरफ को किस तरह पढ़ना है, उसमें फिर तजवीद के कानून में सनाया रुबाई अंजाब
हल्के उला हल्के वस्ती हल्के आखिर ये कुरान की कुशान पढ़ने का कानून हिफ़्ज़ कर लिया, तजवीद पढ़ ली, सर्फ और नहव पढ़ ली, फेले माजी फेले मुजारा पढ़ लिया, इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल पढ़ लिया, सारी ग्रामर पढ़ ली, फिका पढ़ ली, कदूरी पढ़ ली, नूरुल इज़ाब पढ़ ली, फतावा जार पढ़ ली, रद्दुल मुख्तार दुर्रे मुख्तार फतावा आलमगीरी पढ़ लिया, फतावा रिज़विया पढ़ लिया, 30 जिल्दों के ऊपर आला हज़रत की फतावा जार की तशरीह, ये सारा इलम तजवीद सर्फ नाम फिका का इलम, ये 50,000 पेजेस पर मुश्तमिल है। कितने पेजेस पर? 50,000। उसके बाद हदीस का सिलसिला शुरू हो गया, उससे सियासतदा की जो सही ये किताबें जो बताई जाती हैं हदीस की और उसकी शरह के साथ उसकी तफसील के ऊपर जाएं तो 50,000 पेजेस पर ये इल्म मुश्किल है। 50,000 सफात पर हदीस का इल्म मुश्तमिल है। उसके आगे चले जाए कुरान अज़ीम शान का तर्जमा, कुरान अज़ीम शान की तफासीर, तफसीर रूहुल मआनी, तफसीर कबीर, तफसीर जलालैन, तफसीर मज़हरी, तफसीर ज़ियाउल कुरान, जितनी भी तफासीर हैं उनको एक जगह पे आप इकट्ठा करें तो वो तकरीबन 50,000 के करीब सफात बनते हैं। कितने हो गए? 1,50,000 सफात पर मुश्तमिल मज़हब इस्लाम है। ओ अकल के अंधे, तेरे डॉक्टर ने तेरे मौलवी ने उसमें से चंद एक चीजें पढ़ ली, कुछ इल्म हासिल किया, इम्तिहान दिया, पास हो गया, देने वाला भी डिग्री देने वाला भी वैसा, लेने वाला भी वैसा ही, वो तो बन गया डॉक्टर। तो ये तो सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी जुबान मुबारक से अदा फरमाया। फिर नकल मार के बयान नहीं किया, किताब दे के बयान नहीं किया, वो इल्म जो अल्लाह करीम ने आपको अता किया था, वो इल्म जो अल्लाह करीम ने आपको वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा अल्लाह ने अपने महबूब आपने आगे बयान फरमाया है कोई आपके इल्म का मुकाबला करने वाला? जिनको बताने वाला ही खुद रब्बे करीम की जाते मुबारक है जो कि 7,00,000 किस्म की मखलूक को पैदा करने वाला, उस समुद्र की तह में जो मछलियां पैदा होती हैं उन मछलियों के बदनों के ऊपर कितने पत्थर हैं उनको भी जानता, उनके बदनों के अंदर कितने कांटे हैं उनको भी वो मालिक जानता, उस समुद्र की तह में कई समुद्र ऐसे मीलों गहरे, उस समुद्र की तह में जो जानदार पाए जाने वाले हैं उनको भी जानता है, जो ज़र्रात पाए जाते हैं उनको भी जानता है, उस समुद्र की तह में जो रेत के ज़र्रे उनकी तादाद को इमाम बुलंदिया अलैहिस्सलाम को इल्म देने वाला कौन? वही वहदहू ला शरीक ज़ाते ग्रामी जो मालिक कायनात है, जो खालिक कायनात है, जिसको वो इल्म दे उसके इल्म का कोई मुकाबला कर सकता है? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते थे, बहुत ज्यादा नहीं लिखते थे, सूरतुल अनकबूत आप पढ़ते होंगे, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 148 पढ़ के देंगे, सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 48 पढ़ के देंगे, रब तआला जल्ला शानुहु ने क्या फरमाया कि मेरा महबूब इससे पहले ना ज्यादा किताबें पढ़ते थे ना लिखते थे, अगर इस तरह होता तो बातिल वाले जरूर शक लाते।
बात पर शक करते, ये तो पहले ही बहुत पढ़ने वाले थे, ये तो बहुत से पहले से ही बड़े लिखने वाले थे, ये तो राइटर थे, ये पुराने दिन शांत और अपने से ही इन्होंने लिख दिया। ये वजह थी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अपने हाथ से नहीं लिखते। तो जब सभी कुछ अंदर था, मौजूद था, तो पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? सभी कुछ तो सीने में मौजूद था। ये लम नशरह लका सदरका ववदअना अनक विज़रका अल्लज़ी अनक़द ज़ाहरका वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये जो सीना खोला गया, अब ज़मज़म से धोया गया, सोने की तश्री में आपका दिल रखा गया, और बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि आपके सीने में दिल में हिकमत और दानाई के खजाने भरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यह हिकमत फकत उदिया खैर, जिसको हिकमत और दानाई दी गई उसको बहुत बड़ा खजाना मिला। सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात के बाद तमाम खजानों की चाबियां तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। ये जुबाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुआ, या उमर अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ये भी हो सकता था, या उमर जब तक तू अल्लाह की जात के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ये भी तो हो सकता था। अब बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ की रट तो लगाते हैं, तो बुखारी शरीफ में ये नहीं लिखा अनस रजी अल्लाह तआला قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين। ये तरह से भी रिवायत है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से भी रिवायत है कि तुम में से कोई शख्स उतनी देर तक एक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मुश्किल हो। ये बातें क्यों बयान की जा रही हैं? इसलिए कि अभी ऐसा ग्रोह पैदा हो चुका है कि जो एक मिशनरी तौर पे, एक मिशन के तौर पे पूरी दुनिया के ऊपर ये काम कर रहा है कि लोगों के दिलों से अल्लाह के नबी की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह के कानून क्या है? शरीफ को सऊदी हुकूमत दूसरी जगह मुंतकल करने का प्रोग्राम बना रही है। वो जो काला हो गया था वो क्यों हुआ था? जो इनका बड़ा वो काला क्यों हुआ था? उसने भी कोई ऐसी कोशिश की थी कि एक कंकर उसकी आंख में लग गया और वो काला हो गया, या इस तरह ना भी हो तो करके देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करके देख ले। अल्लाह करीम ने सफा हस्ती से एक गुना मिटा दिया तो फिर वो मालिक। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमने तो ये देखा है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो गया, अल्लाह करीम ने कायनात की दुनिया की हर चीज को उसके ताबे कर दिया। क्या शेर सफीने ताई ऐ राही ना जाने, असी गुलाम रसूलुल्लाह दे जेड़े गुलाम हज़रत सुबीना रज़ी अल्लाह तआला जंगल में जा रहे थे तो रास्ता वहां पे उखड़ गया, तो शेर आगे आगे जनाब रास्ता दिखाने के लिए हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, शेर जो कि जंगल का बादशाह भी है और खून खार एक दरिंदा जानवर भी, लेकिन वो अल्लाह के नबी के गुलाम को रास्ता दिखाने के लिए गुलाम बन गया। सुभान अल्लाह,
जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने उसी तरह उनके रुतबे बुलंद कर दिए, जिस तरह फरमाया गया वरफाना लका जिक्र, प्यारे महबूब हमने आपका जिक्र आप ही के लिए बुलंद कर दिया। जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे उसका रुतबा बुलंद हो जाता है, अल्लाह के नबी के रुतबे का कौन इंकार करेगा। तो पता क्या चला, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि इत्तबा बगैर मोहब्बत के होती, कामिल इत्तबा बगैर मोहब्बत के। खुद ब खुद तुम्हें दोस्त रखेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं भैया, फिर लकुम तुम्हें बख्श देगा, जुदोगा तुम तुम्हारे गुनाह माफ करवा देगा, वल्लाहु गफूर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। तो मेरे भाइयों पता क्या चला, पता ये चला कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने तो पूरी कायनात को बनाया, कायनात में खजाने रखे, इनामात रखे, और उन सारे खजानों की चाबी अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दी। लो महबूब मैंने सब कुछ बनाकर तुम्हारे सुपुर्द किया, अब जिसको आप जन्नती होने की बशारत दे देंगे पत्थर पर भी, जिसको आपने जन्नती होने की बिशारत दे दी खत्म, वो जन्नत में जाएगा, और जिसको आपने कह दिया जन्नती है वो जन्नत में जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, और ऐसे लोगों से दूर रहो कि जो खराफात और अजीब अजीब बातें लोगों के दिलों में डालने वाले हैं, जेलों में डालने वाले हैं। अल्लाह के नबी की जात ग्रामी के बाद वो ईमान के चोर हैं, वो दीन के चोर हैं, वो डाकू, वो लोगों के ईमान के ऊपर डाका डाल, ऐसे लोगों से। और पता क्या चला, सारी दुनिया भी फिर लोगे तो पता ये भी चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दीन की असल है, मोहब्बत ही दीन की बुनियाद है, मोहब्बत ही जन्नत की कुंजी है, मोहब्बत ही अल्लाह करीम की कुर्बत का जरिया और वसीला है। अब मूसा अलैहि सलाम से, मूसा अलैहि सलाम तो खुद पैगंबर है, पैगंबर को भी किसी चीज की मोहताजी हो सकती है, उन्हें क्या माजल्ला माजल्ला कोई जन्नत का फिक्र होगा, वो तो पैगंबर है, और पैगंबर होते ही मासूम है। अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल जितने भी 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम और मुरसलीन इस दुनिया में तशरीफ लाए वो सब मासूम थे, सब गुनाह से पाक थे, सब गुनाह से। और अब ताला जल्ला शानहू का निजाम और हुक्म के मुताबिक अगर आदम अलैहिस्सलाम ने भी दाना खाया तो वो ना दाना खाते तो ये आज बचने कैसे, सुभान अल्लाह, फिर वही आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ जन्नत में रहते और मलाइका को ही देखते रहते। ये रब ताला जल्ला शानहू का निजाम था कि ये मैं इंसान को पैदा करूंगा, मैं उसे जिस चीज से मना करूंगा वो जिस चीज से मना करूंगा मुमकिन है कि उससे वो ना रुका जाए, ये उसके अंदर जो चीज पाई जाती है उसके अंदर खसायल रजीला भी है, हसनात भी है, नेकी करने की ताकत भी है, बुराई करने की ताकत भी है। तभी तो फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह तू उसे अपना खलीफा बनाएगा जो दुनिया के ऊपर खूनरेजी करे, फसाद करे, जंगोजदाल करे, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी नहीं है। फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते,
तो फरिश्तों ने वो तो देख लिया, इसका मतलब यह है कि इल्मे गैब का फरिश्तों को भी इल्म, इल्मे गैब अल्लाह के इल्मे फरिश्तों को भी अता किया था, गैब का इल्म फरिश्तों को भी था, गैब का इल्म फरिश्तों को भी था। तभी तो बताया कि ये कौन रेजी करेगा, वसार करेगा, फरमाया जो मैं जानता हूँ इन्नी आलम माला। अब जब बंदा तहज्जुद के वक्त सजदे में सर रखा हो तो रब ताला जल्ला शानहू फरिश्तों से नहीं कहेगा कि यही वो बंदा है जिसका तुम कह रहे थे कि जाकर खून रेजी करेगा, वसार करेगा, इसके अंदर नेकी की ताकत भी है, बुराई की ताकत भी है, वो शैतान का मुकाबला करते हुए, शैतान की बात को रद्द करते हुए मुझे राजी करने के लिए मेरी बारगाह में इसका फिर ही तो रुतबे बुलंद होते हैं, फिर तो कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, पर मैं मूसा अगर तू ये चाहे कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जिस तरह तेरी आंखों की सफेदी के साथ स्याही है और स्याही के साथ सफेदी है, तेरे कानों में सुनने की ताकत है, तेरी दहन के साथ रुआब है, तेरे बदन में रूह है, अगर तू ये चाहे कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मेरी तो पहले से यही तमन्ना है कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं। फरमाया फिर मेरे महबूब हजरत मोहम्मद इतनी अजीम हस्ती, इतनी रुतबे वाली हस्ती के जिनकी बारगाह में दुरूद पढ़ने से तेरा कुर्ब नसीब होता है, फरमाया मूसा अगर मैं उन्हें पैदा ना करता तो कायनात की कोई चीज ना पैदा, सूरज चांद सितारे किसी चीज को पैदा ना करता, यहाँ तक कि तुझे भी पैदा ना करता। तो कानून क्या हुआ, कानून और ज़ाबता क्या है, पता क्या चला, पता ये चला कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ ताला जल्ला शानहू ने ऐसी चीज रख दी जो वलायत हासिल करना चाहे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे, जो अपना सीना रोशन करना चाहे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे, जो अल्लाह की बारगाह को कुर्ब हासिल करना चाहे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे, जो कश्फ व करामात और कुर्ब व वसल की मंजिल से मेरा माल होना चाहे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे। हर चीज तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब की मोहब्बत कर रहा है, सवाब लेना है, रहमत लेनी है, अजर लेना है, दर्जात लेने हैं, कुर्ब लेना है, वसल लेना है, करामत करामात लेनी है, कशब लेना है, गैबी लूम से माला माल होना चाहते हो, जो भी चीज हासिल करना चाहते हो मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है, मेरे महबूब से मोहब्बत। वो लोग जो दीन की रट लगाए हुए हैं, दुनिया के चक्कर लगा लेते हैं और फिर जनाब माजल्ला माजल्ला आके लोगों को यही कहना कि जो भी नबी वली चले गए मर के मट्टी हो गए माजल्ला माजल्ला, उनकी मेहनत मुशक्कत ने उन्हें क्या फायदा दिया। कुरान कुशान में तो है मुशक्कत करें जी, मेहनत करें, मुशक्कत झीलें, लेकिन उनके सब अमाल अल्लाह करीम ने हकारत कर दिए, सार क्यों, उनके अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों हर चीज की असल, हर चीज की असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम होकर दीन पर चलोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह के नबी की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में रख कर नमाज पढ़ोगे सुकून आएगा, ये वो नमाज है इन्नमा लकबीरतुन
बेशक नमाज भारी है लेकिन खुशू और खुजू करने वालों पर भारी नहीं, खुशू और खुजू करने वालों पर भारी, मोहब्बत से नमाज पढ़ने वालों पर नमाज भारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम होकर जब बंदा सुन्नत पर अमल करेगा वो तो फिर यही कहेगा कि मेरी जान तो जाती है चली जाए लेकिन मुझसे सुन्नत ना जाए। एक कानून जाबता है, एक चैप्टर मज़हब इस्लाम जिंदगी का एक पहलू अमली जिंदगी, उसके अलावा कारोबार भी है, अज़दवाजी मुआशी मुआशरती जिंदगी अखलाकी जिंदगी इल्मी अमली जिंदगी जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ इत्तबाए रसूल और सुन्नत मुतहरा की ताबे, सुन्नत मुतहरा की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कारोबार करेगा अपनी अज़दवाजी जिंदगी घरेलू जिंदगी पर अमल करेगा कामयाब होगा, सुन्नत के मुताबिक कारोबार करेगा कामयाब होगा, सुन्नत के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाएगा कामयाब होगा। गोया के तमाम कामयाबियों का पता क्या चला, तमाम कामयाबियों का दारोमदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदा पर, मोहब्बत और मेरे भाइयों वक्त ज्यादा होता जा रहा है तो अपनी जिंदगियों को ढाल लो, कोशिश करो, आज कोशिश की जाएगी, आज कोशिश की जाए, आज आप कोशिश शुरू करें, उस कोशिश के मुताबिक 20 साल आप कोशिश करते जाएं और करते रहें, 20 साल बाद भी अगर आप कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए। ये तो जंग है शैतान के साथ, किसके साथ जंग है, शैतान के साथ। उसने बंदे को नेकी के रास्ते पर नहीं चलने देना, सुन्नत पर उसने नहीं चलने देना, जिक्र की तरफ उसने नहीं आने देना, लेकिन जब मोहब्बत इंसान के अंदर होगी, इंसान के दिल में होगी, तो फिर इस तरह के और भी 6000 शैतान आ जाए तो उसकी हवा से भी दूर भागे, उसके साए से भी दूर। जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साए से भी शैतान भागता, शैतान उनके साए से ही भागता। और भी बहुत सारी बातें अगर बयान कर दी जाए तो बात तो फिर अमल पर ही खत्म होती है। अगर हम अपनी जिंदगी में अमल ले आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे तो जरूर अल्लाह कामयाबी से हम कनार फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत कामयाब बनाए, दुनिया आखिरत में कामयाब। थोड़ा सा जिक्र करके फिर इस बात उस काम को दुआ करें। La ilaha illallah.